रानी इधर देखो, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या है यानी कि पूंजीगत बोलो, ये है कैपिटल डेफिसिट, क्या है यानी पूंजीगत घाटा बोलो। हाँ अरे बोलो हाँ, ओके। पूंजीगत घाटे का मतलब क्या होता है? वेन एवर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द कैपिटल इनकम और रेवेन्यू या रिसीप्ट, हाँ या ना बोलो, पक्का पक्का। जब पूंजीगत आय जो है वो पूंजीगत व्यय से कम हो जाए, कैसी हो जाए, कम हो जाए, तो क्या बनता है? कैपिटल डेफिसिट, पूंजीगत घाटा बनता है। जोर से बोलो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? फिर यहां हमने क्या देखा है? पूंजीगत व्यय क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ द प्रोडक्शन कैटेगरी, उत्पादन मद का होता है या उत्पादक मद का होता है। किसका होगा? इट इज कमिंग अंडर द प्रोडक्शन कैटेगरी, किसमें आता है? ये प्रोडक्शन कैटेगरी में आता है, बोलो। हाँ, अगर ये बढ़ता है तो क्या बोला था? इट इंक्रीजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, इंक्रीजेस दी पब्लिक प्रॉपर्टी, बोलो। हाँ, ये लोक संपत्ति को क्या कर देता है? को बढ़ाता, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो किस लिए होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खड़ा करने के लिए, यस। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा था? सरकारी सेवाओं का खर्चा, ब्याज देना, उसमें पैसा जा रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था तुमको। लेकिन यहां तुमने प्रॉपर्टी भी तो बनाई है। अरे भैया, बैंक से 50 लाख, रुक जाओ यार, अभी कहां से समझ में आ गया? मुझे पता ना तुम कब समझोगी। मैं मास्टर हूं, तुम मास्टर हो। 50 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया और उस 50 लाख रुपए में आपने 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लिया। 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेने के बाद ये लोन चुकाने के लिए तुम्हारे पास है 10 साल का टाइम। मान के चलो, कितने टाइम साल का टाइम है? ऑन एन एवरेज सालाना ब्याज दर 10% मान ली जाए। कितनी मान ली जाए, कितनी मान ली जाए, कितनी मान ली जाए? 10% ऑन एन एवरेज आपको पूरी इनकम पर देना है। सीआई बनाते हुए ये बढ़ बढ़ करके 20% हो गया। मान के चले 10 साल बाद 50 लाख का कितना चुकाया? 50 लाख पे 20% जोड़ दो, कितना हो गया? 10 लाख, यानी 60 लाख रुपए तुमने लोन का चुका दिया ब्याज मिला के, लोन का चुका दिया ब्याज मिला के, चुका दिया कि नहीं चुका दिया? लेकिन 10 साल बाद 50 लाख की जमीन 2 करोड़ की हो जाएगी, बोलो। हाँ, कितना कमाया? 1 करोड़ 40 लाख रुपया। तो क्या संपत्ति नहीं बढ़ी? तो क्या घाटा तुम्हारे लिए निगेटिव है? तो क्या घाटा तुम्हारे लिए बेकार है, बैड इंडिकेटर है ऐसा घाटा तुम्हारे लिए? आज तुम जिस डेफिसिट में गए हो ब्याज लेकर के, सॉरी कर्जा लेकर के, वो डेफिसिट तुम्हारे लिए बेकार है क्या, अच्छा है? इकोनॉमिक्स नहीं समझते, इसीलिए अपन लोग गरीब हैं। अमीर बनने के लिए इतनी इकोनॉमिक्स आनी चाहिए बस। नहीं, सबसे पहले लोन लो। सर लोन तो लेंगे वो जिस घाटे को तुम घाटा देख रहे हो वो घाटा है ही नहीं ना। घाटे के इंडिकेटर्स को समझो। ऐसे चलाओगी सरकार? अगर कल को तुम्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दे दी तो ऐसे करोगी काम तुम? बोले साहब इससे तो सरकार का कर्जा बढ़ गया। नहीं, इकोनॉमिक्स का काम वो है ही नहीं है। वो क्या कर रहा है? बोले सर विच टाइप ऑफ डेफिसिट इज दिस? इफ दिस डेफिसिट इज कैपिटल डेफिसिट, नो प्रॉब्लम सर, वी आर क्रिएटिंग आर अपनी प्रॉपर्टी को हम बना रहे हैं, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। इस डेफिसिट से वो रेवेन्यू देगा। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया खर्च करके एक सड़क बना दी, वो तो टोल भी तो लेंगे 20 साल तक कम से कम। वो नहीं देख रहे काय का डेफिसिट है आपका? टोल भी तो ले रहे हो। आज का डेफिसिट कल का प्रॉफिट है। समटाइम्स द डेफिसिट इज अबाउट प्रॉफिट व्हेन यू आर श्योर अबाउट। तो ले देकर के कहानी ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके, जो सरकार के लिए ऐसा एक्सपेंडिचर है जिस एक्सपेंडिचर से सरकार कुछ गेन करती है। जैसे सरकार भवन निर्माण करती है, जैसे सरकार सड़क निर्माण करती है, जैसे और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाती है, जैसे अभी संसद भवन बना है, आदि चीजें होती हैं।
सरकार इस प्रकार के व्ययों में अपनी संपत्ति खड़ा करती है, अपनी प्रॉपर्टी को गेन करती है। ऐसे इसी वजह से इस प्रकार के एक्सपेंडिचर को हम प्रोडक्शन कैटेगरी का यानी उत्पादक मद का मानते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन हो रहा होता है। ये एक्सपेंडिचर हमेशा किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए लाया जाता है। इसी वजह से जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, सरकार की प्रॉपर्टी यानी लोगों की प्रॉपर्टी यानी पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अब अगर कैपिटल डेफिसिट में यानी कि पूंजीगत घाटे में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए कैपिटल इनकम से, इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इसका मतलब पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल डेफिसिट पूंजीगत घाटे में बढ़ रहा है, इसका मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। हाउ कैन यू कॉल दिस, दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। यदि ये घाटा बढ़ रहा है, कैपिटल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, किसी भी नेशन की इकोनॉमी के लिए एक गुड इंडिकेटर है। वेरी सिंपल,